अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपको अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने घर पर जर्मन शेपर्ड जैसी नस्ल के कुत्तों को पालकर अपने आप को हीरो मानते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी पागल लोग हैं जिन्होंने अपने घर पर मगरमच्छ, अजगर और लगरबग्गा, शेर और कोबरा जैसे जानवरों को भी पाल रखा है। यकीन नहीं हो रहा ना, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही बेवकूफ लोग दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर वन, स्नेक गर्ल। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली इस लड़की से। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस लड़की का इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ऐसा क्यों है, ये आपको अभी समझ आ जाएगा। दरअसल इस लड़की ने अपने घर पर 70 से भी ज्यादा जहरीले सांप और छिपकली की नस्ल को पाल रखा है, क्योंकि इस लड़की को सांप और छिपकली से बहुत ही ज्यादा प्यार है। इस लड़की ने अपने घर पर एक पाइथन को भी पाल रखा है, जिसकी लंबाई इस लड़की से भी ज्यादा है, और कहते हैं कि इस पाइथन में इतनी ताकत होती है कि ये किसी भी गाय को बआसानी से लपेट कर मार सकता है। देखिए जरा किस तरह से ये लड़की इस पाइथन के साथ खेल रही है। नंबर टू, पाइथन बॉय। दोस्तों, जरा सोचिए कि 3 फीट का एक लड़का जिसने 12 फीट के पाइथन को अपना दोस्त बना लिया है, इसके साथ खाता है, इसी के साथ खेलता है और इसी के साथ ही सोता है। दोस्तों, ये वही सांप है जो इस लड़के से 20 गुना बड़े जानवर को भी अपने आप में लपेट कर मार सकता है, लेकिन इस बच्चे ने इतने खतरनाक पाइथन को अपना दोस्त बना लिया है। दोस्तों, इस बच्चे और इस सांप की दोस्ती को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं, और अच्छी बात तो यह है कि इस पाइथन ने आज तक इस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। नंबर थ्री, प्रकाश आमते। दोस्तों, जंगलों में जब किसी जंगली जानवर की मौत हो जाती है और सिर्फ उनके बच्चे बच जाते हैं और उन बच्चों को कोई और जंगली जानवर मारकर खत्म कर देता है, लेकिन दोस्तों इंडिया में एक शख्स रहता है जिसका नाम है प्रकाश आमते। वैसे तो इनकी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी ताकत किसी नौजवान से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यह शख्स अपनी जिंदगी के पिछले 45 साल से जंगलों में भटक रहे छोटे छोटे बच्चों को उठाकर अपने घर लाते हैं और इन्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। इनका ये काम गवर्नमेंट को इतना अच्छा लगा कि इनके जानवर पालने वाली जगह को गवर्नमेंट ने रेस्क्यू सेंटर का नाम दे दिया। आज इनके इस सेंटर में हजारों की तादाद में जानवर मौजूद हैं, जो इनके साथ रहते हैं और इनके साथ खेलते हैं। इन जानवरों में शेर, लगरबग्गा और भेड़िया जैसे जानवर भी मौजूद हैं। नंबर फोर, मॉनिटर लिजर्ड। दोस्तों, पूरी दुनिया में छिपकली की जो सबसे खतरनाक और बड़ी नस्ल होती है, उसमें दूसरे नंबर पर आती है मॉनिटर लिजर्ड। और ये छिपकली जहरीली होने के साथ साथ 50 किलो के वजन तक की हो सकती है। इंसान तो क्या, जंगली जानवर भी इसको देखकर भाग जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने इसको अपने घर में पाल रखा है और ये इसको हर रोज मछली और मुर्गी का गोश्त खिलाता है। और इस शख्स का कहना है कि इस छिपकली ने अब तक इस शख्स का कोई भी नुकसान नहीं किया। नंबर फाइव, क्रोकोडाइल। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर मगरमच्छ के जबड़ों में कोई चीज आ जाए तो उसका छूटना नामुमकिन होता है, लेकिन अब आप मिलिए इस औरत से जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 5 मगरमच्छों को पाल रखा है। इस औरत का कहना है कि जब ये मगरमच्छ इसे पहली बार मिले थे, तब ये बहुत ही छोटे थे और किसी वजह से ये अपने माँ से बिछड़ चुके थे, और इस औरत को लगा कि अगर इनको अकेला छोड़ दिया तो ये मर जाएंगे, और यही वजह है जो ये औरत इनको अपने घर ले आई, और आज हर एक की लंबाई पूरे 2 मीटर तक हो चुकी है। नंबर सिक्स, माउंटेन लाइन। दोस्तों, आपको बता दें कि एक पहाड़ी शेर में नॉर्मल शेर और चीते से भी ज्यादा ताकत होती है, लेकिन इन जनाब ने इसको अपने घर में ही पाल रखा है। और ये बताते हैं कि 2016 में इनको एक पहाड़ी शेर का बच्चा मिला था, और इस बच्चे की उम्र उस वक्त सिर्फ 1 माह थी, लेकिन आज इसकी उम्र पूरे 6 साल हो चुकी है और इसका वजन 60 किलो से भी ज्यादा है। नंबर सेवन, हाइना। दोस्तों, अफ्रीका के ये लोग जंगलों से लगड़बग्गों के बच्चों को पकड़ कर लाते हैं और इसे पाल पोस कर बड़ा करके शहर में इनका कर्तव्य दिखाने जाते हैं। ऐसा करने से इनकी रोजी रोटी चलती है, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगड़बग्गों को जंगल के खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। अगर कहीं पर इनका झुंड मौजूद हो तो जंगल का राजा शेर भी इनसे पंगा लेने से डरता है। नंबर एट, लाइन एंड हाइना। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि झुंड में होने की वजह से लगड़बग्गे की ताकत शेर से भी ज्यादा होती है, और जंगल में जब भी कोई शेर शिकार करता है तो अक्सर लगड़बग्गों का झुंड इससे इसका शिकार खींच कर ले जाता है, और यही वजह है कि इनकी हमेशा से आपस में दुश्मनी रही है। लेकिन साउथ अफ्रीका में रहने वाला ये शख्स एक शेर और एक लगड़बग्गे के बच्चे को अपने पास ले आया और इन दोनों को इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया कि आज ये दोनों ही आपस में दोस्त बन चुके हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी कोई खतरनाक पेट पाला है? अगर पाला है तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।